हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनफ्लावर इन ईवीएस। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज सी ऑफ चैप्टर वन। चैप्टर नेम इज ऑल अबाउट मी। फर्स्ट, वी ऑल रिएक्ट टू डिफरेंट सिचुएशन इन द सेम वे। हम सभी लोग अलग अलग सिचुएशंस पे एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, एक ही तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, तो ये फॉल्स है। कुछ लोग बहुत जल्दी अपना पेशेंस खो देते हैं, बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। कुछ लोग कितनी भी मुसीबत आ जाए वो पेशेंस बना के रखते हैं, धैर्य से रखते हैं। तो ये चीज़ें, सिचुएशंस पे रिएक्ट करना सभी लोगों का अलग अलग होता है। तो ये लिखा है कि सभी लोग एक ही जैसे, सारे सिचुएशंस पे एक ही जैसे सभी लोग रिएक्ट करते हैं, तो ये गलत है। हम लोग एक ही तरीके से सभी सिचुएशंस पे रिएक्ट करते हैं, ये गलत है। तो इसके लिए आप लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स के लिए आप केवल एफ लिखेंगे, पूरा फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल एफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड, योर सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आर इंटरलिंक्ड। आपके सेंस का, सेंस ऑफ टेस्ट, आपके स्वाद की जो सेंस है, जो स्वाद का जो ज्ञान है, और आपका जो स्मेल का जो सेंस है, वो इंटरलिंक्ड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये ट्रू है। जो चीजें, अगर हमें स्मेल बैड स्मेल करती है, कोई भी फूड अगर हमें बैड स्मेल करता है तो उसे हम खाना नहीं पसंद करते। कोई फूड अगर गुड स्मेल करता है, उसकी स्मेल अच्छी लगती है, तो हम उसे खाना पसंद करते हैं। तो सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल, ये इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थर्ड है, यू कैन एंजॉय द टेस्ट ऑफ अ फूड। यू कैन एंजॉय द टेस्ट ऑफ अ फूड इवन इफ द स्मेल इज नॉट गुड। यू कैन एंजॉय, आप आनंद ले सकते हैं द टेस्ट ऑफ अ फूड, किसी भी भोजन का आप आनंद ले सकते हैं, इवन इफ, यहाँ तक कि द स्मेल इज नॉट गुड, यदि स्मेल अच्छी नहीं हो, किसी भी फूड का अगर स्मेल अच्छा नहीं हो, तो भी आप उस फूड का को के टेस्ट को इंजॉय कर सकते हैं। तो ये रॉन्ग है। अगर कोई फूड बैड स्मेल करती है तो हम उसे नहीं खाना पसंद करते हैं, तो हम उसको इंजॉय कैसे ले सकते हैं। तो ये फॉल्स लिखा हुआ है कि अगर बैड स्मेल भी कोई फूड करे तो भी हम इंजॉय ले सकते हैं उसके टेस्ट का, तो ये गलत लिखा हुआ है। फॉल्स के लिए आप एफ लिखेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, विजुअली चैलेंज्ड पीपल। ऐसे लोग जो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, मतलब दृष्टि बाधित होते हैं, जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, आर यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। वे एक दूसरे से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो ये भी फॉल्स है। साइन लैंग्वेज का यूज वो लोग करते हैं जो मुंह को और बाधिर होते हैं, मतलब जिन जो बोल नहीं सकते, ऐसे लोग बात करने के लिए साइन लैंग्वेज मतलब इशारों का यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मुंह और बाधिर के लिए न्यूज भी आते हैं, जिसमें हाथों के का यूज करके जो न्यूज जो है वो पढ़ के बताया जाता है। तो मुंह और बाधिर के लिए साइन लैंग्वेज जो है वो मूक और बाधिर, ऐसे लोग जो डम्प और डीफ हैं, वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। विजुअली चैलेंज पीपल साइन लैंग्वेज का यूज नहीं करते। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, वो लोग ब्रेल स्क्रिप्ट के द्वारा पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, वे साइन लैंग्वेज का यूज नहीं करते। फिफ्थ है, बिकॉज सी वॉज फिजिकली चैलेंज, एलन वॉज नॉट एबल टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। बिकॉज सी वॉज फिजिकली चैलेंज, हेलन जो है फिजिकली चैलेंज थी, शारीरिक रूप से वो असक्षम थी, हेलन वॉज नॉट एबल टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, इसीलिए वो कॉलेज से ग्रेजुएट जो है नहीं कर पाई। तो ये रॉन्ग है। हेलन जो है वो फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद भी हेलन जो है उन्होंने ग्रेजुएट किया था, तो फॉल्स है, आप लिखेंगे एफ। सिक्स है, पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज, ऐसे लोग जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, कैन ट्रेन देमसेल्फ टू डू मोस्ट थिंग्स इन लाइफ। ऐसे लोग जो फिजिकली चैलेंज है, शारीरिक रूप से अक्षम है, ऐसे लोग भी
बहुत सारी चीजें अपने जीवन में कर सकते हैं। तो ये राइट है, बहुत सारे लोगों ने यह प्रूव कर दिया है कि फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद भी वे सफलता जो है उन्हें उनका फिजिकली चैलेंज होना उनके सफलता के मार्ग पे बाधा नहीं बन सकता। बहुत सारे लोगों ने इस बात को प्रूव किया है। तो लिखा है कि फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजें करने में अपने जीवन में अपने आप को फ्रेंड बना सकते हैं। तो ये राइट है, ट्रू है। सेवन है, मिस सुलिवन टॉट हेलन। मिस सुलिवन जो मिस हेलन की जो टीचर थी, उसने हेलन को सिखाया टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, बाय स्पेलिंग देम आउट ऑन हेलन्स पाम। हेलन के पाम पर शब्दों को लिखकर उसने हेलन को शब्दों को पढ़ना सिखाया। तो ये ट्रू है। सेलो एंड ऑर्गन आर द नेम्स ऑफ टू डिफरेंट गेम्स। सेलो और ऑर्गन दो गेम्स के नाम है, तो ये रॉन्ग है। सेलो एंड ऑर्गन ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, संगीत यंत्र है, ये गेम्स के नाम नहीं है, ये फॉल्स है। नाइन्थ है, द ब्रेल राइटिंग कोड इज मेड अप ऑफ 63 कैरेक्टर्स। जो ब्रेल राइटिंग होता है, ब्रेल अंधे लोगों के लिए जो ब्रेल स्क्रिप्ट आती है उसमें 63 कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये ट्रू है, ब्रेल स्क्रिप्ट में 63 कैरेक्टर्स होते हैं। टेन है, वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स ओनली थ्रू वर्ड्स। हम अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को ओनली थ्रू वर्ड्स, केवल शब्दों के द्वारा हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये फॉल्स है। ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते वो भी साइन लैंग्वेज का यूज करके अपने शब्दों को दूसरों के समक्ष एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बातों को दूसरों के समक्ष बताते हैं। छोटे बच्चे भी नहीं बोल सकते, लेकिन वो भी जब उन्हें भूख लगती है तो वो रोते हैं, तो वो भी अपनी फीलिंग्स जो है बिना शब्दों के अपने पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए सभी लोग शब्दों का ही यूज करें।